हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लंब रेखाओं के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। परिचय, दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण, एल के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं, यानी एल एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया। तो ये जो दो रेखाखंड हैं इन्होंने क्या बनाया, ये इन्होंने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया। किसी पुस्तक के कोने, कागज, ये भी क्या बनाते हैं, ये भी एल के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं। और किसी, चाहे आप एग्जाम्पल ले लो, जो पुस्तक है उसके ये कोने हैं, ठीक है, कागज है, ये कागज है, तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के जो है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। तो रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से देखेंगे। देखिए चरण एक है, रूलर की सहायता से एक रेखा ले ली हमने, ये रेखा हमारे पास है एल। उस रेखा पर एक बिंदु हमने अंकित कर दिया, ये बिंदु मान लीजिए हमने अंकित कर दिया है इस रेखा पर, यह है पी। अब हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से रेखा पी क्यों खींचिए। तो सेट स्क्वायर की सहायता से हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और इस तरह से सीधी एक रेखा खींच देंगे पी क्यू। अब ये पी क्यू जो रेखा बनी, ये वाली रेखा जो हमारी है पी क्यू, ठीक है, ये रेखा जो एल है हमारी उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर लंबवत है, ठीक है। रेखा एल के पी क्यू रेखा क्या है बच्चों, लंबवत है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। अब हम देखेंगे कि रूलर और प्रकार को का प्रयोग करके कैसे हम खींच सकते हैं। तो चरण एक है, रूलर की सहायता से एक रेखा एल खींचिए और उस रेखा पर एक बिंदु पी अंकित कीजिए। तो एक रेखा हमने खींच दी एल रेखा, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक बिंदु पी अंकित कर दिया। प्रकार को बिंदु पी पर रखें। अब हमें जो है अंदाजे से प्रकार खोलना है, और जैसे हमने यहाँ पे ये इतना खोला हुआ है, अब हमने क्या किया, हमने P को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर दो चाप खींची है, जो रेखाएं L को बिंदु A और B पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने P को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, P को जो है केंद्र मानते हुए हमने प्रकार को यहाँ पर रखा और इसको केंद्र मानते हुए एक चाप यहाँ पे लगा दी और एक चाप जो है हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये हमने इसको हमने नाम दे दिया ए का और इसको हमने नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें समान त्रिज्या के साथ बिंदु ए से रेखा के ऊपर या नीचे की ओर चाप अंकित करनी है। अब हमने ए को केंद्र माना, एक चाप यहाँ लगा दी और एक चाप हमने क्या किया, हम ऐसे नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह बी को केंद्र मानते हुए हमने दूसरी चाप जो है वो यहाँ पर लगा दी, ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जो है हमने मिला दिया, क्लियर। या आप सिंपल जो है एक से भी ऐसे कर सकते हो, एक से भी आप खींच सकते हो। अब ये जो रेखा आई है हमारे पास, ये रेखा, ये जो है क्या है, ये जो रेखा ए बी है उसके ऊपर क्या है, लंब है। तो पी क्यू रेखा वो बिंदु पी पर अभिष्ट लंब रेखा है। ये हमारा बिंदु पी था ना, तो ये किसके ऊपर लंब है, ये पी पर अभिष्ट लंब रेखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचना, ठीक है। अब यानी इसमें क्या है कि हमें जो है ये रेखा नहीं दी हुई होगी, ये जो है हमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमें अब बिंदु जो है इसके ऊपर नहीं लेना है, लाइन जो हमें दी गई है उसके ऊपर बिंदु ना लेकर हमें कोई बाहर बिंदु लेना है। तो रूलर की सहायता से एक रेखा हम खींचेंगे एल और एक बिंदु पी को रेखा के बाहर हम अंकित कर देंगे। तो ये बिंदु पी हमने बाहर ले लिया। प्रकार को बिंदु पी पर रखेंगे
और रेखा एल पर अर्धवृत्त हम खींचेंगे, यानी बाहर यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और एक चाप हम यहाँ लगाएंगे, एक चाप हम जो है इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रत्येक बिंदु ए और बी से बिंदु पी से विपरीत दिशा में चाप खींचे। अब यहाँ पे देखिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने बिंदु पी तो यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे ये हमारा बिंदु पी है, तो हम एक चाप जो है खींचेंगे, एक चाप ये हमने ऐसे खींच दी, एक बार हमने ए को केंद्र माना, एक बार हमने बी को केंद्र माना और ऐसे चाप खींच दी। और अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगी, जो क्यू बिंदु आएगा इसके ऊपर यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। अब जो ये पी क्यू रेखा आई, पी क्यू रेखा, ये बिंदु पी से रेखा एल पर क्या है, ये रेखा एल है ना हमारी, तो ये रेखा एल पर क्या बन गया, ये लंब रेखा बन गई, ये वाली क्या बन गई है, लंब रेखा बन गई। ठीक है, अब अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। नाउ आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उस पर एक बिंदु आर लीजिए, रेखाखंड पर एक लंब खींचना है आपको MN जो बिंदु R से गुजरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, देखिए फर्स्ट जो आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है, तो ये हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, उस पर एक बिंदु हमें, ये रेखाखंड है हमारा A और B, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया, जो बिंदु है हमारा उसके ऊपर लेना है बिंदु, हमने ले लिया यहाँ पे R, ठीक है। अब रेखाखंड पर हमें एक लंब जो है वो खींचना है, लंब कैसे खींचेंगे, हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार को जो है खोलते हुए अंदाजे से हम R बिंदु पर क्या करेंगे, R बिंदु पर हम एक जो है चाप लगाएंगे, ये चाप हमने लगा दी, इसी तरह R बिंदु को केंद्र मानते हुए इसी तरह B की तरफ एक चाप लगाएंगे, उसके बाद हम, आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानते हुए इसी तरह हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, A को और B को केंद्र मानते हुए, ये A है ये B है, हमने एक चाप यहाँ पे ऐसे लगानी है और B को केंद्र मानते हुए एक चाप हमने जो है यहाँ पर ऐसे लगानी है, और इस तरह से ये जो हमारा पॉइंट बनेगा इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे P का नाम दे दिया, क्लियर, ठीक है। अब यहां से जो रेखा है वो आपको इस तरह से खींच के और इसके इस R बिंदु के ऊपर मिला देनी है। अब ये जो बना, ये क्या बना, ये इसके ऊपर लंब बना, क्लियर, यानी PR जो है, PR वो क्या है, लंब, PR लंब रेखा क्या है बच्चों, लंब रेखा है, लंब रेखा है किस पर, AB पर, लंब रेखा है AB पर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए और बिंदु S से रेखाखंड पर एक लंब XY खींचना है, तो आपको क्या करना है, इसमें सेकंड में 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेना है आपको, ठीक है, मान लीजिए एक रेखाखंड हमने ले लिया AB, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, आपने स्केल की सहायता से ले लेना है, इसके बाहर एक बिंदु लेना है हमने, मान लीजिए ये बिंदु हमने बाहर ले लिया S, उसके बाद देखिए हम प्रकार को खोलते हुए हमने एक चाप जो है यहाँ पर लगा ली और एक चाप यहाँ पर, अब हम A को केंद्र मानते हुए एक चाप हम क्या करेंगे, एक चाप हम A को केंद्र मानते हुए लगाएंगे और एक चाप हम B को केंद्र मानते हुए लगा देंगे, और इस तरह से S को मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है ये S पॉइंट है और ये x है, ठीक है, और इस तरह से हम एक रेखाखंड जो है इनको मिलाते हुए खींच देंगे, ठीक है, और ये हमारा y हो गया, ये वाला पॉइंट, तो इस तरह से x y हमने क्या खींचा, एक लंब हमने खींच दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीना बाजार से अपने घर पहुंचने के लिए पहले सीधे पूर्व की ओर गई, तो पहले सीधे कहाँ जाती है, पूर्व की ओर, तो देखो बच्चों इस तरह से सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दिशाएं, ये दिशाएं क्या है, ये दिशा जो है ये उत्तर है, ये जो है आपकी ईस्ट रहेगी पूर्व और ये वेस्ट रहेगी, क्लियर।
अब रीना अपने बाजार से अपने घर पहुंचने के लिए सीधे पूरव की ओर चलती है। तो रीना यहाँ पर है और रीना यहाँ से चलती है पूरव की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर की ओर गई। अब यहाँ से गई वो किस तरफ बच्चों? यहाँ से जाती है वो उत्तर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से वो जाती है उत्तर की ओर, तो वो गई यहाँ से गई वो उत्तर की तरफ, क्लियर। तो यहाँ से वो इस तरफ चली जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है वह किस कोण से उत्तर की ओर मुड़ी और किस प्रकार की रेखाएं बनेगी। तो ये जो कोण बना, ये कोण कौन सा बना? ये कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण बना। तो आपको बस आंसर में लिख देना है कोण जो है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री। और रेखा किस प्रकार की रेखा बनी, तो रेखा का नाम भी आप लिख देंगे, रेखा होगी लंब रेखा। तो ये क्या होगी, लंब रेखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चादर या कागज के रेखाखंडों से किस प्रकार की रेखाएं और कोण बनते हैं। तो जैसे कागज है, हमने ऊपर पढ़ा था ना, कागज है उसके रेखाखंडों से कौन बनते हैं, कोण बनते हैं 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के। और रेखा कैसी बनती है बच्चों, रेखा बनती है लंब रेखा। कैसी बनेगी, लंब रेखा बनती है, ठीक है, लंब रेखा बनेगी। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।